कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने फैमिली के साथ सेफ होंगे, है ना। तो आप लोग कैसे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं उस दिन बोली थी कि आप लोग कैसे हैं, तो आप लोग मुझे बताए थे कि हाँ मैं ठीक हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि चलो मेरी फैमिली भी बिल्कुल सेफ है और अच्छी है। तो प्लीज़ आप लोग अपने बारे में बताया कीजिए। मेरे बारे में तो मुझे देख लेते, मुझे समझ में आ जाता है, बट आप लोग अपने बारे में कुछ शेयर नहीं करते। तो चलिए मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। आप लोगों का बहुत सारा रिक्वेस्ट आ रहा था कि आप अपने हेयर में क्या यूज़ करते हो, आप मुझसे शेयर करो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ कि मैं अपने हेयर में क्या यूज़ कर रही हूँ, फिलहाल क्या यूज़ कर रही हूँ, ये चीज़ मैं शेयर करने वाली हूँ और बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू मैं शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए ज़्यादा मतलब बातें नहीं करेंगे और वीडियो करेंगे, लेट्स स्टार्ट। मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर ऑर्गेनिक का ऑयल है, ये ब्लैक सीड ऑयल है, बहुत काफ़ी पसंद है मुझे ये चीज़ और मैंने इसमें बहुत सारा लगाया भी हुआ है। मैं आपको दिखाऊँगी कलौंजी ऑयल है ये, ब्लैक सीड ऑयल कलौंजी का जो होता है ना, वो ऑयल है ये और काफ़ी अच्छा है, ऑर्गेनिक कंपनी का। ऑर्गेनिक कंपनी का एक और ऑयलिंग है, वो भी आप हेयर में यूज़ कर सकते हैं, स्किन में यूज़ कर सकते हैं। मैं उसका भी आप लोग के साथ लिंक शेयर करूँगी। वो भी बहुत ही अच्छा है, कैस्टर ऑयल है ऑर्गेनिक का, वो भी काफ़ी अच्छा है। और फिलहाल मैं इसके बारे में बता दूँ क्योंकि मैं आज ये यूज़ कर रही हूँ, तो मैं आपको ये बता देती हूँ इसके बारे में। तो ये ऑर्गेनिक का प्योर एंड नेचुरल प्रीमियम कलौंजी ब्लैक सीड ऑयल है, काफ़ी अच्छा है। इससे मतलब ये जो हेयर है ना, काफ़ी हेल्दी हेयर होता है, एक जो काफ़ी हेयर होता है बहुत पतला सा होता है, लाइक वो उतना अच्छा भी नहीं लगता है ना, हम हेयर ओपन करके रह सकते हैं और ना उसको अगर छोटी भी बनाते हैं लाइक बन भी करते हैं तो वो काफ़ी अजीब सा लगता है। बट ये जो ऑयल है इससे हेयर भी आपका ग्रोथ बहुत अच्छा होगा, हेयर का कलर भी काफ़ी अच्छा कलर रहता है, शाइनिंग करता है। और मैं आपको बताऊँ इसको आप मतलब नहा, जैसे आज मुझे हेयर वॉश करना है तो मैंने इसे कल हेयर वॉश करना है तो आज मैं ऑयलिंग कर लूँगी अच्छे से। और काफ़ी अच्छा रिजल्ट इसका था, काफ़ी अच्छा रिजल्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसको। और सबसे मेन बात है मेड इन इंडिया है, तो मुझे काफ़ी ये चीज़ पसंद आ रहा है कि चलो मेड इन इंडिया हमारा है। ये ऑल हेयर टाइप्स, ये किसी भी हेयर में आ जाएगा, ऐसा नहीं इसके पतले हैं, जिसके काफ़ी घने घने बाल है उसको भी ये अच्छे से मेंटेन रखता है। और मैं आपको बता दूँ ये अनरिफाइंड है, बहुत होता है ना ऑयल को रिफाइन करके केमिकल मिक्स करके इतना कुछ बनाता है, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये काफ़ी अच्छा है। आप लोग देख सकते हैं, ये मैं आपको फ्रंट से कैमरा से बता रही हूँ ना, तो ये आपको थोड़ा सा उल्टा दिख रहा होगा, बट मैं आपको उसका बैक कैमरा से दिखाती हूँ। ओके, तो आप इसमें देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है, ऑर्गेनिक कंपनी का है, इस तरीके से कुछ पैकेजिंग मुझे रिसीव हुआ है। प्योर एंड नेचुरल है प्रीमियम कलौंजी ब्लैक सीड ऑयल फॉर हेल्दी हेयर, मैं ईयर बोल रही थी, हेल्दी हेयर एंड अनडिफाइंड है ये, सबसे बड़ी बात है कि ये डिफाइन किया हुआ नहीं है और ऑल हेयर टाइप्स है, ये किसी भी हेयर में काफ़ी अच्छे से इसका सेट हो जाता है और आपको भी पसंद आएगा। गाइस उम्मीद करती हूँ कि अगर आप लोग को ये अच्छा लगे आप एक बार यूज़ करके देखिएगा आपको। तो इसके अंदर कुछ इस टाइप का है, ये कांच का नहीं है, ये प्लास्टिक का है, तो ईजिली आप इसे मतलब रख सकते हैं, टूटने का डर नहीं है। और ये देख सकते हैं ये ऐसे कैप लगा है तो इससे काफ़ी अच्छा रहता है। और इसको फिर हम ऐसे कर लेंगे, कैप में लगा के रखती हूँ ना, कभी कल होता है ना कि ऑयल ना थोड़ा थोड़ा निकलने लगे तो पूरा मेकअप का सामान बर्बाद हो जाएगा। मतलब जहाँ मैं रखती हूँ ऑब्वियसली मेरा सारा सामान एक जगह ही रहता है। तो चलिए ऑयल लेते हैं, ऑयल और बहुत अच्छा फ्रिक्वेंसी, सच में बहुत ही अच्छा, मुझे काफ़ी पसंद आता है। आप अपने से हेवी हेयर ऑयलिंग भी कर सकते हैं, हेवी हेयर ऑयलिंग के बाद तो एक हफ्ते तो आपको ऑयल लगाने का ज़रूरत ही नहीं है। और इससे डैंड्रफ सबसे अच्छा है कि अगर आपके बाल में अगर डैंड्रफ है ना तो वो काफ़ी जल्दी ख़त्म होता है और मुझे काफ़ी पसंद है ये ऑयलिंग, मेरे हस्बैंड को भी पसंद है। इसका बहुत सारा प्रोडक्ट है ऑर्गेनिक का, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, आप यूज़ करके ज़रूर बताइए कैसा है। मैं इसको ऑनलाइन में डिस्काउंट में मिल रहा है, ऑनलाइन में काफ़ी डिस्काउंट है, जिनको हेयर का प्रॉब्लम है वो ये यूज़ कर सकते हैं। और अमेज़ॉन में भी है, फ्लिपकार्ट में भी है, मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए मतलब कितना अच्छा हेयर भी कितना शाइनिंग कर सकता है। लाइक ऐसा नहीं है कि एक होता है ना चिपचिपा सा कोई ऑयल लगा लो बहुत हेवी लगता है और चिपचिपा लगता है, वो चीज़ नहीं है। और आपका हेयर ग्रोथ भी बहुत अच्छा होगा, हेयर फॉल जो हो रहा है वो नहीं होगा। ये देखिए काफ़ी अच्छा, मुझे तो काफ़ी पसंद आता है ये। तो चलिए मैं फटाफट कर लेती हूँ कॉम, और कैसा लग रहा है वीडियो ज़रूर बताइएगा, मैं फटाफट कॉम कर लेती हूँ। और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप ले लीजिएगा, आप लोग को भी पसंद उतना ही आएगा जितना मुझे पसंद आ रहा है।
पता है मैं पहले ना ऐसे हेयर करती थी ना, इतना इतना सा बाल निकलता था यूं करके, बट ये लगाने के बाद ना ये चीज़ बहुत कम हो गया कि लाइक अभी हेयर फॉल हो रहा है मेरा, बट उतना नहीं हो रहा जितना पहले हो रहा था, क्योंकि कोई भी चीज़ आपको धीरे धीरे सेट होता है ना। इसके बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, मैं इसका आप लोग को बताती रहूँगी। तो चलिए पहले मैं बाल को ठीक कर लेती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा से हो जाता है ना, और हेयर का मतलब इससे पहले जो मेरा हेयर था वो आप देख सकते हो, अभी मेरी हेयर ऑयलिंग किया है ना वो हेयर आप देख लो, काफ़ी अच्छा लग रहा है ना। मुझे तो हेयर ओपन करके बड़ा अच्छा लगता है। पहले आपको पता है मेरा हेयर, मैं जब हेयर ओपन करके मेरे मतलब शादी के बाद भी लाइक मेरा ज़्यादा करके हेयर में ओपन रखती थी, तो मेरी मदर इन लॉ को लगता था मुझे बाल बांधने ही नहीं आता बट दीदी पता चला कि नहीं, उनकी बहू मल्टीटास्किंग है बट उसे पसंद नहीं है बाल बांधना। हाँ तो गाइज उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा जिन्होंने नहीं किया है, कमेंट करके जरूर बताइए कैसा लगा वीडियो, और आप सबका इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए दिल से थैंक यू सो मच। एनीवे गाइज ब्लॉग बोल रही हूँ, वीडियो को एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको ये ऑयल अच्छा लगा हो, काफ़ी अच्छा, मुझे तो काफ़ी पसंद है, तो आपको अच्छा लगा हो तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, लव यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का ख्याल रखिएगा, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।